नमस्ते दोस्तों, मैं चारू चौधरी आज की इस वीडियो में गोल सेटिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है और कई लोग जो होते हैं उनका गोल क्लियर होता है, उनका जो विज़न है वो सब कुछ देख पा रहे होते हैं, उसके बाद कि हमको क्या करना है लाइफ में, क्या स्टेप लेने हैं, उसके बावजूद भी जो है वो उसको वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो उनके रीज़न्स पे हम आज चर्चा करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो हमारा जो चैनल है सुविद्या उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वह हैं, एक तो है हम जानें कि गोल की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमारे पास एक उद्देश्य होना चाहिए वो, और दूसरा जो है क्यों जो लोग हैं वो गोल तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो दोस्तों, एक आदमी था, उसने बस स्टैंड पे खड़ा था और पूछता है कि भाई साहब ये बस कहाँ जा रही है। तो वो कहता है कि तुमको कहाँ जाना है? तो वो कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। तो वो कहता है फिर कोई सी भी बस ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है? और सच में क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम अपने घर से निकलते हैं तो हम एक उद्देश्य के साथ निकलते हैं कि आज मुझे, मान लो अगर मैं नाथद्वारा से उदयपुर जाना चाहती हूँ, तो मेरे पास एक गोल होता है कि मुझे क्या है वहाँ पहुँचना है, या जो जिस भी कारण से मैं जा रही हूँ। तो दोस्तों, जब हम एक घंटा दो घंटे का काम करते हैं उसमें भी हम अपना डिसाइड करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मुझे उदयपुर जाना है और मैं किसी और ही बस में बैठ रही हूँ, तीसरी बस में तो नहीं बैठती, उसी बस में बैठती हूँ जहाँ मुझे जाना है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो गोल तैयार कर लेते हैं, परंतु जब हम अपनी लाइफ की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ज़्यादातर जो लोग हैं उनका जो गोल है वो गोल होता है नहीं होता क्लियर उनको। तो सबसे पहले हम जो रीज़न जानते हैं कि गोल जो है लोग डिसाइड क्यों नहीं कर पाते हैं, तो उसका जो पहला रीज़न है, एक तो होता है पहले तरीके के लोग, जो बताती हूँ, मैं चाहती हूँ कोई एग्ज़ाम क्लियर करना, या फिर चलो एग्ज़ाम छोड़ो, एग्ज़ाम तो आजकल आप सभी जानते हैं क्या स्थिति है, कई बार कुछ नियम वगैरह जो हैं उनके कारण भी अटकते रहते हैं। एक सिंपल गोल ले लीजिए कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेगेटिव सोचेंगे, अरे नुकसान हो जाएगा, अरे फालतू के काम मत करो, और आसपास के जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं, अरे डूबेगा। तो पहला ही जो है हम हमेशा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो हम जब गोल डिसाइड करते हैं तो हमको नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, पर साथ में पॉजिटिव भी सोचो, क्योंकि जब हमको नेगेटिव पता है तो उसको हम ओवरकम करके कैसे जो चीज़ें, कैसे उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। जब हमको किसी चीज़ की कमी पता है तो हमें पता है, आज आपने एक रसगुल्ला बनाया, आपको पता है कि ये अच्छा इसलिए नहीं बना क्योंकि इसमें मीठा कम है, तो शक्कर ही डालनी है ना, और तो कुछ चेंज नहीं करना है। तो आपको पता है अगर कमी क्या है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरा है, कुछ लोग होते हैं फेल होने का डर है, नहीं फेल हो जाएंगे यार हम तो पहले से ही। तीसरे तरह के जो लोग होते हैं वो एम्बिशन नहीं है, लाइफ में कुछ करना ही नहीं है। एक आदमी था, वो नदी के किनारे बैठा था, मछली पकड़ता, वापस छोड़ देता। दूसरा भाई पूछता है, अरे भाई आप कर क्या रहे हो, बार बार मछली पकड़ रहे हो, जाली वाली सब लेके आई हो मछली पकड़ने की, ये उसके बावजूद भी मछली आ रही है तो आप उसको वापस छोड़ देते हो। तो वो कहता है कि मेरा जो फ्राई पैन है, जो तवा है जिस पे मैं मछली को सेकता हूँ, वो छोटा है, तो इतनी बड़ी मछली का मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं बार बार छोड़ देता हूँ। तो कुछ लोग जो हैं वो बहुत छोटी सोच लेके चलते हैं। आप इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हो, परंतु आप सोच के चलोगे कि मैं डिस्ट्रिक्ट पे ही खेलूँगा, क्यों नहीं खेलते आप इंटरनेशनल लेवल पे? जब आप में इतनी काबिलियत है तो आप छोटी सोच क्यों रखते हो? और जब आप अपनी छोटी सोच रखते हो तो शायद तक वो बंदा अपने स्कूल में ही खेलता रह जाए, डिस्ट्रिक्ट तक भी ना जाए। तो जो सोच है वो बड़ी रखिए अपनी। और भी कई सारे हैं, जैसे कुछ फेल होने का डर रहता है, रिजेक्ट हो जाएंगे हम कैसे स्टार्ट करें। और कुछ होता है आलस, अरे किसी दिन मैं करूँगा, आज से छोड़ो, मुझे पतला होना है, वेट लूज़ करना चाह रहा हूँ मैं, पर किसी और दिन, कल से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, कल से स्टार्ट करेंगे, अब मैं आज से बिल्कुल संतुलित भोजन खाऊँगा, पर कब से, कल से, पढ़ाई में बिल्कुल करूँगा एकदम मन लगा के, कब से, कल से। तो वो जो चीज़ें हैं कुछ लोगों की टालने की आदत होती है। और एक रीज़न होता है कि नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या है गोल वोल, क्या है, जो चल रहा है चलने दो, लाइफ चल रही है ना ठीक है, क्या करेंगे गोल सेट करके। तो
ये अलग अलग जो विचारधाराएं हैं वह हमको गोल सेट करने से रोकती हैं। तो जो सक्सेस है हम वो क्यों प्राप्त नहीं कर पाते, चीज़ों की टालम टोल से भी ये चीज़ें जो हैं ये हो जाती हैं। अब अगला जो पॉइंट आता है वो है गोल क्यों जरूरी है। अरे भाई क्यों बनाए हम गोल, ठीक है जब लाइफ चल रही है ऐसे भी चल रही है, बिना गोल के भी चल रही है, तो इसके जो गोल क्यों जरूरी है उस पर मैं पहला पॉइंट जो है वो बताती हूँ। गोल जो है वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। अभी एग्जांपल दिया था ना, यहाँ से हम बस स्टैंड तक जा रहे हैं, आपको पता है कि आपको उदयपुर जाना है तो आप उदयपुर की बस में ही बैठोगे, पर आपको पता ही नहीं है कहाँ बैठना है, तो शायद तक आप जयपुर की बस में बैठ जाओ, शायद तक आप एमपी की बस में बैठ जाओ, फिर वहाँ जाके आप सोचोगे मुझे क्या करना है। तो ये लाइफ है, हमको पहले से क्लियर होना चाहिए, हमारी लाइफ कंट्रोल करती है। कई लोगों को देखा होगा आपने, कई लोग आपस में अफेयर्स में पड़ जाते हैं और फिर क्या होता है, पता है कोई आगे एंड वेंड कुछ नहीं, उसके बाद क्या होता है देवदास बन के घूमते रहते हैं। आपकी अगर लाइफ का गोल सेट है, आपको क्या करना है, क्या चीज़ आपको हासिल करनी है, क्या मिलेगी, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव आप जानते हो, तो आप इन पचड़ों में पड़ते ही क्यों। तो ये जो है आपको एक विज़न देता है कि क्या सही है क्या गलत है, और अपनी जो लाइफ है हम कंट्रोल कर पाते हैं। परंतु जब हम इस मैटर में डीप सोचते ही नहीं हैं तो वो जो चीज़ें हैं वो अपने आप होती चली जाती हैं। एक जो रीज़न है इम्पॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करना। आप आज गए हो शॉपिंग मॉल में गए हो, आपको पता है शाम को बर्तन धोने के लिए साबुन नहीं है, पर कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद लिए, आज ज़रूरत नहीं थी उन सब चीज़ों की, पर हमारा गोल फिक्स नहीं है कि भाई हम मार्केट क्यों जा रहे हैं। जो मेन चीज़ है वो चीज़ तो छूट जाती है और अंडे चंडे की दुनिया भर का सामान हम उठा के ले आते हैं, और शाम को क्या होता है, अरे वो नहीं है, तू ला दे तू ला दे तू ला दे, कोई उठता नहीं है। तो जो चीज़ आप फिक्स करो ना, फोकस क्यों नहीं करते हो, जो चीज़ आपको आज ज़रूरत है कैसे करेंगे, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लाओ दूसरी चीज़ें, परंतु जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको ना भूल जाओ, उसके लिए गोल होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ है, अब हम दो बात हो गई, तीसरी जो बात है अच्छे डिसीज़न लेने के लिए, दो चीज़ हैं राइट क्या है, तो हम डिसीज़न जो हैं वो बेटर ले पाते हैं जो हमको गोल को अचीव करेगा या नहीं करेगा। मान लीजिए आपको आज कुछ सामान खरीदना है, आपको लैपटॉप खरीदना है, आपको पता है कि मुझे लैपटॉप खरीदना है, और उसमें आप क्या चाह रहे हो कि आप ये चाह रहे हो कि उसमें वेबकैम जो है मैं अपने पिक्चर ले लूँ इसमें साथ के साथ में, परंतु अगर आपको ये पता ही नहीं कि आप पिक्चर लेने के लिए आप वो लैपटॉप या जो भी कहते हैं मोबाइल ख़रीदना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपको पता है अगर आपको फ़ोटोग्राफ्स का शौक़ है तो आप वही मोबाइल देखोगे जिसकी जो क्लियरिटी अच्छी हो, फ़ोटोग्राफ्स अच्छे आते हों, मेगापिक्सल जो हैं वो बड़े हों। पर क्या होगा, मान लीजिए आप चाह रहे हो फ़ोन लाना है, आपको अपना गोल क्लियर नहीं है, आपने अपने पापा को कह दिया, पापा कौन सा फ़ोन लिया है, नोकिया 1100, तो आपका जो गोल था वो पूरा नहीं होता। तो डिसीज़न जो है आप अच्छे से जान पाओगे कि मुझे क्या करना है, डिसीज़न जो है वो आप बेटर ले पाओगे। अब जो चौथा है अच्छे से काम होगा, जो भी आपका गोल है, जो आपका उद्देश्य है वो आप, एक होता है काम हो जाना, एक होता है अच्छे से होना। आज आपने एक पेरेंट्स मीटिंग करी स्कूल में, लोग आए और साइन कर गए, और एक दूसरा हुआ कि बच्चे की प्रोग्रेस पे चर्चा हुई, तो क्या हुआ, जो चर्चा हुई वो चीज़ बेटर है, क्योंकि मीटिंग्स का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे का जो प्रोग्रेस, बच्चा प्रोग्रेस करे, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो, तो उसके लिए आप क्या चाहेंगे कि उसमें मीटिंग हो। और एक हो गया कि अलग अलग जने आ रहे हैं, ठीक है नाम हो गया, तो वो चीज़ें जो है आप, अगर आपका गोल सेट है तो आप जो वर्क है वो इफ़िशेंटली कर पाएंगे। और पांचवा जो है कॉन्फिडेंस तो आता ही है। आज आप बस में बैठ गए, जैसे मैं बता रही थी उदयपुर की बस में बैठे हो आप, और किसी ने कह दिया आपको, आपको पता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं सही बस में बैठा हूँ, आपको सारा कुछ नॉलेज लेके बैठे हो, उसके बाद दूसरा बंदा कहेगा अरे क्यों जा रहा है, तो हम कहते हैं ना चुप रहे मुझे पता है, तो उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस आता है। तो जो गोल है वो सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मेन चीज़ें थी गोल क्यों ज़रूरी है उसके थी। कुछ लोग होते हैं मीनिंगलेस गोल्स बनाते हैं, अरे मुझे गोल बनाना है, हम सुन लेते हैं कई बार गोल बनाना है, सुन लिया भाई हाँ गोल, अरे उसका गोल है इसका गोल है। गोल कैसे बनाते हैं, देखा होगा आपने ज़्यादातर कुत्ते, हम खड़े होंगे कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, गाड़ी में है बैठा रहेगा, जैसे ही गाड़ी चलती है और क्या करता है, पीछे पीछे भौंकता हुआ दूर तक आपको छोड़ के आता है, फिर दूसरी गाड़ी का इधर दूर तक छोड़ने गया, तो वो होते हैं मीनिंगलेस गोल्स। उसमें उसको भी पता नहीं है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, किसी और के गोल में शामिल हुए, थोड़े से उसको सक्सेस करते हुए देखे, उसने छोड़ दिया, वो आगे चला गया, उसके साथ गए उसके वो आगे चला गया, तो उसको, क्योंकि उस कुत्ते का खुद का कोई गोल नहीं है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो
मीनिंगलेस गोल्स नहीं होने चाहिए, जो भी गोल बनाओ सोच समझ के बनाओ और उससे आप अपनी लाइफ में सक्सेस आपको मिल रही है या नहीं मिल रही वो चीज़ आप क्लियर करने की कोशिश करो। अब अगला जो है वो हम करेंगे गोल फेल क्यों हो जाते हैं। अगली हम बात करते हैं गोल फेल क्यों हो जाते हैं। स्पेसिफिक नहीं होते, क्लियर ही नहीं है, गोल चेंज हो जाते हैं। आज मैंने सोचा कि मैं आज से योगा करूँगी, अब योगा अगले दिन मैं सोचूंगी अरे यार योगा क्या करूँ, एक काम करती हूँ डाइटिंग शुरू कर देती हूँ, तीसरे दिन सोचूंगी मैं डांस कर लेती हूँ। तो जो हमारे गोल हैं वो चेंज होते जाते हैं, एक रीज़न ये है। दूसरा ये है हम इन चीज़ों पे सोचते ही नहीं हैं, सोचा ही नहीं कि गोल क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए लाइफ में, ठीक है चल जाता है। कभी कभी थोड़ी सी चीज़ जो है वो फेल हो जाती है और हम पहले से इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं 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 ये चीज़ जो है होगी नहीं। तो एक है रियलिस्टिक नहीं होता, आज आपने देख लिया कि भाई रियलिस्टिक मैं तो बस यहाँ बैठी हूँ और कहूँगी तारे तोड़ के लाने मुझे, तो तारे तोड़ के लाना पॉसिबल नहीं है। रियलिस्टिक होनी चाहिए जो भी आप गोल और अचीवेबल हो, मतलब जिसको आप अचीव कर सको, आप उस तक पहुंच सको, ऐसे ही गोल रखो। ऐसा मतलब कुछ लोग होते हैं वो अंधाधुंध कुछ भी गोल, हमारा गोल ये है और वो चीज़ फिर अचीव नहीं हो पाती तो फिर ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत चीज़ें बेकार हैं। तो जो भी चीज़ आप प्लान कर रहे हो उसको सोच समझ के करो। और आज अगर आप ये भी देख लें, आपको कोई कहता है कि आप मेरे साथ कार में बैठो, कोई भी बंदा अगर आपको कह देता है चलो कार में बैठो और आप बताएं नहीं कहाँ जा रहे हैं, चलो बैठो और चलो, और लंबा चले ही जा रहे हैं, हर जना पूछता है कहाँ जा रहे हैं। एक आध लोगों को छोड़ दो जिनको ब्लाइंड ट्रस्ट हो या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सोचेंगे सरप्राइज दे रहे हैं, तो बात छोड़ दो। बाकी 99% जो लोग हैं मेरे हिसाब से पूछेंगे कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, कैसे ले जा रहे हो, ये क्वेश्चंस होते हैं जनरली लोगों के। तो जो गोल है वो हम वो क्लियर करते हैं जब आप आधे घंटे दो घंटे के लिए कहीं जाते हो, आप पूछते हो क्यों जा रहे हैं क्या जा रहे हैं। तो गोल हम तो पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ निकलती जा रही है, तो कितना ज़रूरी है गोल क्लियर होना कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और हम क्या अचीव करना चाहते हैं। अब एक आपको मैं एक जैसे कई लोग होते हैं कि ये तो कहने की बातें, कुछ लोग अचीव कर जाते हैं। एक अर्नोल्ड शिवार्ड ने जिगर करके एक आदमी था जो छोटे से एक ऑस्ट्रिया करके गांव का लड़का था, उसको बनना था बॉडी बिल्डर, उसका सपना था, उसने कई सारे गोल बनाए। तो हर जना उस समय उसको लगता था कई सारे जो गोल हैं वो कैसे पूरे होंगे, परंतु स्टेप बाय स्टेप अगर आप गोल बनाते हो, जो गोल है एक शॉर्ट टर्म होना चाहिए, एक मीडियम, एक फिर लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। तो उसने सबसे पहला जो उसका गोल था वो बॉडी बिल्डर बनना चाहता था और ओलंपिया में उसको था कि टाइटल मिल जाए मुझे मिस्टर ओलंपिया का। तो क्या हुआ, सबसे कम उम्र में उसको मिस्टर ओलंपिया का टाइटल मिला और एक बार ही नहीं मिला, कुल 7 बार मिला। चलो ठीक है, बाय चांस भी हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं ठीक है हार्डवर्क किया गोल उसका क्लियर था हो गया। उसके बाद उसका दूसरा जो था वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाह रहा था। जब वो 30 साल का था तब वो मिलेनियर था, उसके पास बहुत संपत्ति थी, किसके कारण, बिजनेस के कारण। अब चलो ठीक है ये भी हो जाता है जब उसको ऑलरेडी फेमस हो ही गया था ओलंपिया के कारण। उसके बाद उसे एक्टर बनना था, 44 से ज़्यादा जो मूवीज़ हैं उसमें वो रोल अपना निभा चुका है एक्टर टाइप, वहाँ पे भी मान सकते हैं। उसने फिर एक और गोल तय किया, वो राजनीति में जाना चाहता था, वो चाहता था कि राजनीति में भी मेरा बड़ा वर्चस्व हो, लोग जाने पहचाने मुझे। तो वो जो था जो कैलिफोर्निया है उसका 38वां गवर्नर भी रह चुका है। तो अगर हम देखते हैं तो था क्या, वो एक सादा सा इंसान था, यही दो आंखें एक नाक एक मुंह, दो हाथ दो पैर, क्या था ऐसा, या फिर वो कुछ पैदा हुआ तो कुछ एक्स्ट्रा ही चीज़ें वो लेके आया, कुछ भी नहीं। तो हर एक बंदे में काबिलियत होती है उस चीज़ों को, कुछ चीज़ों को अपने जो गोल हैं उनको अचीव करने की। आप जो है अपने गोल तक ही देखिए, क्लियर देखिए कि आप क्या चाहते हैं। उसके ही अलावा आप ये देखिए कि मैं कौन हूँ, राइट डाउन कीजिए मैं कौन हूँ, कहाँ कहाँ हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या चाह रहा हूँ मैं अपनी लाइफ से, क्या मैं सही जा रहा हूँ। अगर मुझे बनना है, मान लो मुझे डॉक्टर बनना है और मैं 11th में आर्ट्स ले रही हूँ, तो मुझे पता है कि उसके लिए मुझे साइंस लेनी ज़रूरी है। तो आप वही सोचो ना, आप क्या बनना चाह रहे हो उसको मैच करो कि मैं उस ट्रैक पे जा रही हूँ या नहीं जा रही, या मैं इधर हो गई तो मुझे वापस से इधर आने के लिए क्या करना चाहिए। तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए।
एक गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। स्पेसिफिक कैसे कहेंगे कि अगर मुझे वेट लूज़ करना है, मान लो अगर आज मुझे मैंने सोच लिया कि मुझे वेट लूज़ करना है, तो मेरा ये तो होना चाहिए लूज़ करना है, ये तो एक हो गया एब्स्ट्रैक्ट गोल, पता नहीं कितना लूज़ करना है, हो सकता है वो आधा किलो हो जाए, वो भी कम ही हो ना हो गया, हो सकता है 15 किलो हो, वो भी कम होना हो गया। मुझे कितना कम करना है, मान लो मुझे एक महीने में 1 किलो या 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा जो गोल है वो क्या होगा, स्पेसिफिक भी होगा और आप वापस से अपना वेट करके देखेंगे तो मेजरेबल भी होगा कि आपने अपना जो 2 किलो वेट है वो कम किया है या नहीं किया है। तो जो गोल है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आप वो जानते हैं, वो आपने कहानी सुनी होगी अर्जुन की, और जब अर्जुन से पूछा था उसके गुरुजी ने, आपको क्या दिख रहा है, चिड़िया, सबको, युधिष्ठिर और सहदेव वगैरह नकुल सबको क्या दिख रहा था, किसी को पेड़ दिख रहे थे, किसी को पूरी चिड़िया दिख रही थी, किसी को आम दिख रहे थे, किसी को गुरुजी दिख रहे थे, तब पर अर्जुन को क्या दिख रहा था, अर्जुन को ओनली चिड़िया की आँख दिख रही थी, क्योंकि उसको आँख जो था उस पर धनुष चलाना था। तो जब गुरुजी ने उसे पूछा क्या दिख रहा है तुम्हें, तो वो क्या कहता है, मुझे ओनली उस चिड़िया की आँख दिख रही है, आँख अर्थात मतलब उसको ओनली गोल दिख रहा है। और गुरु ने कहा मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया है, इतना सिखाया है, इतनी दीक्षा दी है, मैं दिख रहा हूँ, तो अर्जुन ने कहा सॉरी गुरुजी, मुझे आप भी नहीं दिख रहे हो, मुझे ओनली वो आँख दिख रही है। तो आपका गोल भी उसी तरीके से एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका जो गोल है आप वहाँ तक पहुँच रहे हो या नहीं। आज आप मुझे ही देख लीजिए, अगर आप यहाँ देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, तो आप क्या मेरा ये जो अपना हाथ है अगर आप यहाँ रखते हैं तो आप उसको क्लियर देख पाएंगे, नहीं आप यहाँ देख पाएंगे। अब आप सामने देखिए तो आप जो चीज़ आप देख रहे हो वही आप क्लियर देख पाओगे, और आप वही देखो, आप अपना गोल तय करो और उसी को देखो, इधर उधर जो डिस्ट्रैक्ट होने वाली बातें हैं उनको नेगलेक्ट करो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो सभी लोग हैं अपना एक गोल डिसाइड करेंगे, गोल डिसाइड करने के आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, और 10 साल बाद आप जहाँ देखना चाह रहे हैं, और तीनों ही बना एक शॉर्ट टर्म काफ़ी सारे हो सकते हैं आपके पास जो, और उन्हीं लोगों के साथ रहें। आप देखिए आज मुझे मान लीजिए विदेश जाना है, मान लो मेरा सपना है विदेश जाने का, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो मैं पैसा कैसे कमाऊँ, मुझे एक सपोर्ट चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो मुझे नॉलेज कहाँ से मिलेगी, और अगर मैं वहाँ रहती हूँ मुझे वीज़ा चाहिए, वीज़ा के लिए क्या होना चाहिए, तो जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है अपने गोल तक पहुँचने के लिए, उस जो सर्कल है आसपास का जो सर्कल है वही क्रिएट करो। ये मत देखो कि आपको लाइफ कहाँ ले जाती है, आप अपनी लाइफ को कहाँ ले जाते हो, अभी जो स्टेयरिंग है वो आपके हाथ में है आपकी गाड़ी की, तो उसको ध्यान से देखिए, गोल सेट कीजिए, और मैं उम्मीद करती हूँ हम अगली बार मिलेंगे तो गोल के साथ मिलेंगे। थैंक यू।